भाइयों, अगर हैप्पी न्यू ईयर की आंधी खत्म हो गई हो तो हैप्पी मकर संक्रांति की सुनामी शुरू करें। हैप्पी मकर संक्रांति। भाइयों और बताओ, पतंग खरीद ली या लूट कर उड़ाने के इंतजार में हो? हैप्पी मकर संक्रांति। पति पत्नी से, घर में हथौड़ा है क्या? पत्नी, हथौड़े का क्या करोगे जी? पति, तेरे मायके से जो संक्रांति के लड्डू आए हैं उन्हें तोड़ने के लिए चाहिए। हाँ, हैप्पी मकर संक्रांति। भाइयों, मैं एक नई क्रांति लाना चाहता हूँ और वो है मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति। देख भाई, प्यार में गिरना लेकिन पतंग लूटते हुए छत से मत गिरना। हाँ, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी लोहरी। हैप्पी मकर संक्रांति उन लोगों को भी हैप्पी मकर संक्रांति जिन लोगों को पतंग से ज़्यादा बातें लपेटनी पड़ती है। हाँ, हैप्पी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पर मेरी आपको सलाह है, अपनी पत्नी की फ़ोटो पतंग पर चिपकाइए और उसे अपनी उंगली पर नचाने का आनंद उठाइए। भाइयों, सिर्फ मकर संक्रांति के दिन ही पत्नियां तिल के लड्डू बनाती हैं, वरना बाकी दिन तो तिल का ताड़ ही बनाती हैं। हैप्पी मकर संक्रांति। हर आदमी की बस एक यही कहानी, बीबी खिचड़ी और पड़ोसन बिरयानी। हैप्पी मकर संक्रांति। भाइयों, खिचड़ी एक ऐसी डिश है जो लोगों के घरों में कम और दिमाग में ज़्यादा पकती है। हाँ, हैप्पी मकर संक्रांति। भाइयों, पतंग और पति दोनों एक जैसे ही होते हैं, थोड़ी सी ढील छोड़ते ही पहुंच जाते हैं पड़ोसन की छत पे। हाँ, हैप्पी मकर संक्रांति।